स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसका टॉपिक है टेस्ट योर सेल्फ फोर पॉइंट फोर टेस्ट योर सेल्फ फोर पॉइंट फोर में हमने पहले फाइव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम कह रहा है आपको कुछ एलिमेंट्स के पेयर दिए गए हैं आपने उन एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बताना है क्या है और उनके दरम्यान बॉन्डिंग की नेचर प्रोडिक्ट करनी है कि किस किस्म का बॉन्ड होगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पेयर है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हमने बताना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस क्या है और इनके दरमियान बॉन्डिंग की नेचर क्या होगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज वन एंड देर इज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दैम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस वन है और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है नेक्स्ट पेयर हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड सोडियम इज वन पॉइंट थ्री एंड देर इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन दैम हाइड्रोजन और सोडियम के दरम्यान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस वन पॉइंट थ्री है और इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और इन्हें हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स नेक्स्ट पेयर है सोडियम और आयोडीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड आयोडीन इज 1.73 एंड देर इज आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देम सोडियम और आयोडीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.73 है और इनके दरमियान बॉन्डिंग की नेचर आयोनिक है नेक्स्ट पेयर है पोटाशियम एंड क्लोरिन पोटाशियम और क्लोरिन के दरम्यान क्या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन पोटाशियम एंड क्लोरीन इज 2.4 पॉइंट पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 2.4 है एंड देर इज आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देम और इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है तो फोर पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए थे हमारे क्वेश्चन में हमने बताना था कि इनके दरम्यान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस क्या है और इनके दरमियान बॉन्डिंग की नेचर क्या है ये था ए पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो बी पार्ट है कंपेयरिंग द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंसिज एंड अरेंज दीज कंपाउंड इन इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं हमने इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस को कंपेयर करना है और फिर हमने इनको इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ की बुनियाद पर अरेंज करना है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड यहाँ पे अब जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान उससे कम है सोडियम और आयोडीन के दरमियान उससे कम आयनिक स्ट्रेंथ है सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान और सबसे कम जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफ्रेंस क्या है इनके दरमियान चूंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वन और सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वन पॉइंट थ्री और सोडियम और आयोडीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वन पॉइंट सेवन थ्री और पोटासियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है टू पॉइंट फोर तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होगा दो एलिमेंट्स के दरमियान उनके दरमियान आयनिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी तो चूंकि पोटाशियम और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है इस वजह से इनमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में है यानी कि वन है इन दोनों में डिफरेंस तो इसमें आयोनिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपने इस टेस्ट योर सेल्फ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स